ये है मेरी कंप्लेंट, इसकी कॉपी आप जुहू पुलिस स्टेशन से ले सकते हैं। मैम किसके खिलाफ शिकायत है और क्या शिकायत है? शिकायत है मिस्टर रिपु सुदन कुंद्रा AKA राज कुंद्रा के खिलाफ, शिल्पा शेट्टी के खिलाफ, शमिता शेट्टी के खिलाफ, गणपति शंकर चौधरी के खिलाफ। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं जुहू पुलिस स्टेशन पर आई थी अप्रैल 14, 2021 के दिन। राज कुंद्रा के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज करने 19 अप्रैल 2021 के दिन राज कुंद्रा मेरे घर पर आए। उन्होंने मुझको अंडरवर्ल्ड की धमकी दी और कई सारी धमकियां दी, मुझको डराया, धमकाया, दबाव बनाया यौन शोषण की शिकायत को वापस लेने के लिए। मैं एक सिंगल वुमन हूँ, अकेली रहती हूँ, मैं डर गई। आज हिम्मत जुटाकर वापस आई हूँ मैं। आपको बता दूं कि 20 अप्रैल 2021 के दिन यहाँ पर आई जुहू पुलिस स्टेशन पर और मैंने अपनी शिकायत वापस ली और ये भी कहा जुहू पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर से कि सर मुझे डर लगता है, डर इस बात का लगता है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, क्योंकि मुझे धमकी दी गई है, अंडरवर्ल्ड की धमकी दी गई है। कहा गया है कि एक फ़ोन कॉल से मेरी ज़िंदगी और मेरा करियर दोनों को बर्बाद किया जा सकता है। मैं डरी हुई हूँ, मैं ये शिकायत वापस लेती हूँ, ये कहकर मैंने शिकायत वापस ली। आज मैं यहाँ पर आई हूँ दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेकर, हिम्मत जुटाकर, निडर होकर एक नई कंप्लेंट लेकर। इसमें वो तमाम पुरानी बातें भी हैं और कुछ नई बातें भी हैं। हम बात करते हैं 22 मार्च 2019 की। ये वो दिन है जब मैं पहली बार राज कुंद्रा से मिली थी होटल JW मैरियट में अपने मैनेजर डी के श्रॉफ के साथ। उन्होंने दी शेरलिन चोपड़ा ऐप की चर्चा की, कहा कि उनकी कंपनी आर्म्स प्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड दी शेरलिन चोपड़ा ऐप को लॉन्च करना चाहते हैं। 26 मार्च 2019 के दिन मैं उनके ऑफिस पर गई थी, आर्म्स प्राइम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पर। मैंने उनकी कंपनी आर्म्स प्राइम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उनके कैबिन में। उसी दिन वो मेरे घर पर आते हैं वीडियो कॉन्सेप्ट की चर्चा करने के लिए। 27 मार्च 2019 की रात को वो मेरे घर पर आते हैं मुझे बताए बगैर। उस रात क्या हुआ उनको पता है, क्या हुआ उनको अच्छी तरह पता है। रिपु सुदन AKA राज कुंद्रा, क्या आपको याद नहीं है 27 मार्च 2019 की रात को आप मेरे घर पर क्यों आए, क्यों आए आप मेरे घर पर? आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। आपने क्या किया मेरे साथ, आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। आपने मेरे साथ यौन शोषण किया, आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि आपकी याददाश्त कमजोर है। 29 मार्च 2019 के दिन आपने मुझ पर दबाव बनाया, मेरे साथ शूट किया फोटोग्राफर मुन्ना के स्टूडियो पर। मैं आपको क्रोनोलॉजी समझा रही हूं। उसके बाद 29 सितंबर 2020 से लेकर जून 2021 तक राज कुंद्रा, जो कि JL स्ट्रीम प्राइवेट लिमिटेड के ओनर हैं या डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया। 10 महीने लगातार मुझको चेस करते रहे, प्लीज़ एसोसिएट विद JL स्ट्रीम प्राइवेट लिमिटेड, शिल्पा एंड शमिता और द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ JL स्ट्रीम, इट विल बी अ गुड एसोसिएशन। एंड शिल्पा ने भी कहा कि हाँ हाँ हम जुड़े हैं, इट्स अ वेरी सेफ प्रोपोजिशन, आप जुड़ कर देखिए, ये आर्म्स प्राइम जैसा नहीं है, ये साफ सुथरा है, ये अच्छा है, ये वैसा है। कैसा है, यहाँ पर आप फिटनेस वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। फाइनली
24 जून 2021 के दिन मैं जाती हूँ राज कुंद्रा के JL स्ट्रीम प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस पर, जो कि है अंधेरी वेस्ट में। वहाँ पर हमारी बातचीत होती है। वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, हम शुरुआत करते हैं 3 कॉन्सेप्ट वीडियो से। और हमारे बीच ये बात हुई थी कि हर वीडियो का मुझको 16 लाख रुपए दिया जाएगा। मैंने 3 वीडियो शूट किए, टोटल बनता है 48 लाख, जिसमें से मुझको आज तक एक पैसा नहीं मिला। मेरा सवाल ये है, लड़कियों से जिस्म की नुमाइश करवा के आप उनकी पेमेंट क्लियर क्यों नहीं करते? आप उनको चूना क्यों लगाते हैं? आप उनको टोपी क्यों पहनाते हैं? क्या ये होता है एथिकल बिजनेस? आपको बिजनेसमैन बनना है, जाइए सीखिए टाटा कैसे बिजनेस करते हैं, एथिक्स के साथ करते हैं, जो वादे करते हैं उन्हें निभाते हैं। आप क्या करते हैं? आप आर्टिस्ट के घर पर जाकर उनके साथ यौन शोषण करते हैं, आर्टिस्ट के घर पर जाकर उसे अंडरवर्ल्ड की धमकी देते हैं, बोलते हैं यौन शोषण का केस वापस ले वरना तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जो एक आध फिल्में तेरे हाथ में है वो भी छूट जाएंगी। इस तरह आप बात करते हैं। मैं आज नहीं डरूंगी, दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेकर आई हूँ मैं। मैं नहीं डरूंगी ना आपसे ना आपके पावर से। क्या क्या कहा था आपने? आपको याद है आपने बोला कि आपके सर पर किसी बिग बॉस का हाथ है और जब तक उस बिग बॉस का हाथ रहेगा आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसी बातें आपने कही मुझसे। क्या उन्होंने वो बिग बॉस का नाम बताया? नहीं बताया। और उन्होंने अपने सेलफोन पर मुझे रंजीत बिंद्रा का नंबर दिखाया और कहा कि ये डी कंपनी का आदमी है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आज मैं नहीं डरूंगी, मैं नहीं डरूंगी। क्या आपने पुलिस से अपनी सिक्योरिटी के लिए भी मांग की है? मैंने कहा पुलिस से कि मैं ऐसे डर डर के नहीं जी सकती, मैं डर के नहीं जी सकती। आपने अभी शिकायत क्या, मतलब उन्होंने पेमेंट नहीं दी है? बात यहाँ पर सिर्फ पेमेंट की नहीं है, बात सिर्फ पेमेंट की नहीं है, ये जो डर का माहौल बना कर रखा है, मैं आई कांट टेक दिस। आपने कहा कि आपने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ भी शिकायत की है, अब की बार जो आपने शिकायत आ चुकी है उसमें शिल्पा शेट्टी का क्या रोल था? उन्होंने कहा कि JL स्ट्रीम इज अ वेरी सेफ प्रोपोजिशन एंड यू नो इट्स लाइक अ फैमिली फैमिली सेटअप, तो देर इज नो हार्म, योर करियर विल बी सेफ, यू नो यू कैन जॉइन इट। शिल्पा और शमिता ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, तो यानी इट्स सेफ, ऐसा कहा। और दबाव में आकर मैंने किया उनके लिए 3 वीडियोज शूट किए, लेकिन नहीं मालूम था कि एक पैसा भी नहीं मिलेगा। बात यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि मुझे मेरे पैसे नहीं मिले हैं, बात ये है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक आप लोग लड़कियों से जिस्म की नुमाइश करवा कर उन्हें ऐसे चूना लगाते रहेंगे? This has to stop somewhere. आपको क्या लगता है आप अंडरवर्ल्ड की धमकी देंगे? हम एक बार डरेंगे, दो बार डरेंगे, बार बार नहीं डरेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। खुद को बिजनेसमैन बोलते हैं, is this business, is this ethical business, this is not the way to conduct business, and very conveniently you seem to forget the facts that had taken place on 27th March 2019. Shilpa se baat karwai thi 19 April 2021 ke din. Shilpa kehti hai, hey Sherlyn, my husband is not a Shakti Kapoor. और मन ही मन मैंने बोला यू राइट, ही इज द बाप ऑफ द फिल्मी शक्ति कपूर।